नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक बिटन ऑल। और दोस्तों आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ कुछ यूएई रिलेटेड कुछ जॉब, और उसके साथ साथ मैं फिर एज ए रिक्वेस्ट के पर्पस में मैं लेके आया हूँ कि कैसे आप अपना वीजे को वेरीफाई कर सकते, चाहे वो 501 हो, 301 हो, 201 हो, वो कोई भी किस्म का वीज़ा हो यूएई का यानी कि दुबई का, आप उसको एज ए ऑनलाइन और फ्री में आप अपने मोबाइल में या फिर कंप्यूटर लैपटॉप में कैसे आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि नहीं ये वीज़ा फेक नहीं जेन्युइन है, आप कैसे पता लगा सकते हैं घर बैठे बैठे। और उसके साथ साथ कुछ जॉब भी मैं आज लेके आया हूँ दोस्तों, तो आगे तक जानने के लिए और कैसे करते हैं ये भी देखने के लिए प्लीज़ आप हमारे साथ बने रहिएगा दोस्तों। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यहाँ पर रेड कलर के बटन के ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल टेक बिटन ऑल को, और उसके साथ साथ प्रेस की इस बेल आइकन को उसमें गए कि मैं जब भी लूँगा नया वीडियो उस वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा आपके पास सबसे पहले दोस्तों। तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। सबसे पहले जो लोगों का बात आता है दोस्तों कि लोग मेरे को और बहुत सारा क्वेश्चन करते हैं, मैंने ऑलरेडी इस टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो क्रिएट कर चुका हूँ कि आप कैसे एज ए एम्प्लॉयमेंट हो या फिर विजिट हो, टूरिस्ट हो, कैसे आप उस वीज़े को एज ए वेरीफाई कर सकते हैं। तो लोगों ने बोला कि सर नहीं, 501 वाला का क्या होगा, एज ए स्टेप सेम ही रहेगा, लेकिन फिर भी उनका थोड़ा डाउट है, तो वो भी डाउट मैं आज क्लियर कर देता हूँ दोस्तों। तो सपोज़ मैं एज ए एग्जाम्पल मैं आपके सामने एक वीज़ा आप यहाँ पर देख सकते हो स्क्रीन पर, तो ये रहा एक एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, या फिर यहाँ पर आपका एम्प्लॉयमेंट हो, टूरिस्ट हो, या पर सिंगल एंट्री लिखा हो, कोई भी हो, ठीक है ना। बहुत सारे केस में ऐसा भी होता है कि एज ए सिंगल कोई भी टूरिस्ट वीज़ा को यहाँ पर एडिट करके एज ए एम्प्लॉयमेंट लिख के दे देता है और बोल देता है कि ये लो भाई आपका एम्प्लॉयमेंट वीज़ा आ गया है, और आपके साथ एज ए स्कैम या फिर धोखा हो जाता है। तो उस केस में आप उसको कैसे वेरीफाई कर सकते हैं कि आपके हाथ में जो वीज़ा है वो वीज़ा कैसे आप वेरीफाई कर सके, या पर 501 हो, या पर 201 हो, या पर 301 हो, कोई भी हो, आप उसको ऑनलाइन कैसे वेरीफाई कर सके, यही सबसे एज ए इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और आप कैसे जान सकते हैं कि ये एम्प्लॉयमेंट है, ये टूरिस्ट वीज़ा है, वो भी मैं आज आपको क्लियर करूँगा। तो एज ए यहाँ पर आप देख सकते हैं एक आपका एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है, तो इसको आप कैसे वेरीफाई करेंगे। सबसे यहाँ पर देख सकते हैं रेड मार्क किया गया है यूआईडी नंबर, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ डिजिट लिखा हुआ है 1900 ऐसा करके कुछ लिखा हुआ है, इसको कहते हैं यूआईडी नंबर, ठीक है ना। आपको क्या करना चाहिए, इस यूआईडी नंबर को आपको लेना चाहिए, राइट। इसको कहते हैं फाइल नंबर, आप इस नंबर को आपको नहीं लेना है, उसको आप एकदम भूल ही जाइए। यहाँ पर नीचे देखिए, आप चाहे किसी भी किस्म का अगर आपके पास वीज़ा हो तो उसका एक यूआईडी नंबर होता है, राइट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसी यूआईडी नंबर को आप कॉपी कर लीजिए, राइट। आप यहाँ पर केस में देख सकते हैं यहाँ पर यूआईडी नंबर क्या है, तो इसको सबसे पहले आप किसी भी जगह पर कॉपी कर लीजिए। उसके बाद आपको एक वेबसाइट में जाना पड़ेगा, इस वेबसाइट का लिंक मैं ऑलरेडी एक वीडियो में दे चुका हूँ, मैं इस वीडियो के अंदर भी मैं आपको दे दूँगा, राइट। तो इसके अंदर सिंपली आप फर्स्ट ऑप्शन सर्च बाई के ऊपर सेलेक्ट कीजिए फाइल नंबर, इस ऑप्शन को टिक मार्क कीजिए। ये काम अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं, कंप्यूटर लैपटॉप से भी कर सकते हैं। और सेकेंड चीज़ यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, अगर आपका ए वीज़ा अगर यहाँ पर लिखा है एज ए एम्प्लॉयमेंट, तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा रेसिडेंसी के ऊपर। अगर आपको यहाँ पर लिखा है टूरिस्ट या फिर कुछ भी, तो आपको यहाँ पर लिखा सिलेक्ट करना पड़ेगा वीज़े के ऊपर। अभी कुछ ऐसा भी केस आता है कि एज ए विजिट पे जाके एम्प्लॉयमेंट पे कन्वर्ट हो गया है, राइट। तो उस केस में भी अगर आप इसको एज ए बाई चांस अगर आपको इसको रेसिडेंसी से नहीं, अगर आप इसको सिंपली वीज़े के ऊपर सिलेक्ट करके अगर आप एज ए यू आई डी नंबर यहाँ पर आप डालेंगे, तो भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि आपका जो एज ए टूरिस्ट वीज़ा हो, राइट, यहाँ पर विजिट वीज़ा, वो आपका एज ए कन्वर्ट हो गया है एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। उसके बाद सिंपली आप यहाँ पर टिक मार्क कीजिए आई एम नॉट ए रोबोट, इसको सबसे पहले टिक मार्क कीजिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए सर्च करके एक ऑप्शन लिखा है, सिंपली इसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए, थोड़ा सा लोडिंग लेगा, सॉरी आई होप कि यहाँ पर मैंने कुछ गलत डाला है, 1901 1901 1901 0001 0, यहाँ पर देखिए एक वन मिस्टेक था, 0001 57 0001 57, ओके। तो सिंपली इस नंबर से ध्यान से आप यहाँ पर डालिएगा, अगर आपको कुछ भी गलती करते हैं तो यहाँ पर नो रिकॉर्ड फाउंड अगर आपको दिखा रहा है, तो मान के चलिए कि आपका बिजनेस सही नहीं है, कुछ गड़बड़ है, सिंपली आप उसके ऊपर सर्च के ऊपर क्लिक कर दीजिए, राइट। तो उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फाइल यहाँ पर एज ए
एक्सपायर हो गया। एज ए रीजन क्या है, कॉन्वर्ट टू रेसिडेंस, यानी कि ये जो विजिट वीजा जो था, ये बंदा एज ए विजिट पे गया था, वो कॉन्वर्ट हो गया है एज ए रेसिडेंसी यानी कि एम्प्लॉयमेंट पे। और ये केस किस डेट में आप देख सकते हैं, 6 तारीख को हुआ, राइट, 7 मंथ। तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका एज ए एम्प्लॉयमेंट वीजा का एक्सपायर डेट कब है, तो सिंपली आप यहाँ पर इसको सेम चीज़ रहेगा, सिंपली आप इसको रेसिडेंसी के ऊपर क्लिक कीजिए। इसमें आप क्या जान सकते हैं कि आपके साथ धोखा नहीं हो रहा है, कि आपका वीज़ा सही में काम हो रहा है कि नहीं। ये पर देखिए लिखा हुआ है कन्वर्ट टू रेसिडेंसी, यानी कि विजिट वीज़ा अभी एम्प्लॉयमेंट पे कन्वर्ट हो गया है। अगर आपको यहाँ पर ए लिखा नहीं दिख रहा है, अगर टूरिस्ट यहाँ पर सिंगल दिख रहा है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका वीज़ा आज अभी भी टूरिस्ट वीज़ा या फिर एज ए सिंगल इंट्री, या पर टूरिस्ट वीज़ा, या पर आप कह सकते हैं विजिट वीज़ा पर अभी स्टेटस शो हो रहा है, चेंज नहीं हुआ। सिंपली आप इसको सिंपली यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आप रेसिडेंसी कीजिए, उसके बाद UID नंबर डालिए, उसके बाद सर्टिफिकेट के ऊपर क्लिक कीजिए। और यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है कि फाइल स्टेटस एक्टिव, और फाइल इशू हुआ था इस डेट में, और इस एम्प्लॉयमेंट वीज़ा का एक्सपायर डेट कौन सा साल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया है कि आपका वीज़ा किसी भी किस्म का हो, चाहे 301, 201, 501, एनी टाइप, तो आप उसको कैसे UID नंबर के थ्रू वेरीफाई कर सकते हैं। आपको ये फाइल नंबर की भी देने की भी जरूरत नहीं है, राइट। ये लिंक भी मैं आपको दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ओके। अब बात करते हैं कि हमारे पास एज ए कौन कौन सी कैटेगरी का जॉब अवेलेबल है। तो सिंपली आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पर एक एज ए कंपनी है, और जो जॉब है एज ए ब्लू कलर जॉब है, यहाँ पर कोई व्हाइट कलर जॉब नहीं है। व्हाइट कलर का जो जॉब का एज ए प्रोसेस रहता है, आपको खुद जाके अगर आप सर्च कर सकते हैं अपने लिए, तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप एज ए ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो जॉब है, यहाँ पर देख सकते हैं मेसन का जॉब है, ड्यूटी मैन, इलेक्ट्रीशियन, हेल्पर, क्लीनर का जॉब है। यहाँ पर आप सैलरी भी देख सकते हैं, आप कितना यहाँ पर बंदा चाहिए वो भी आप देख सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का रहेगा, उसके बाद फूड आपको कंपनी की तरफ से प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, एकोमोडेशन यानी कि रहने की जगह आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आपको 8 घंटे का ड्यूटी आपको करना पड़ेगा, हफ्ते में आपको 1 दिन छुट्टी मिलेगा। आपको A to Z आप इसको एज ए पढ़ सकते हैं, इस वीडियो को यहीं पे पॉज कीजिए, पॉज करने के बाद इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, राइट। एरा हमारे पास जो पहली कैटेगरी का जो जॉब है एज ए फर्स्ट डिमोलेटर, जो कि था एज ए ब्लू कलर, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इनमें से देखिए कौन सा कैटेगरी आपकी जॉब प्रोफाइल से मैच करता है, और उसी जॉब के लिए आप यहाँ पर अप्लाई कीजिए, राइट, ओके। और आप सेकेंड भी देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ एज ए जॉब रिक्रूटमेंट है, जो कि है प्लम्बर का, इलेक्ट्रीशियन का, और ऑयल पेंटर का, वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर सैलरी कितना है, सैलरी के साथ फूड के लिए आपको एक्स्ट्रा पे कर रहा है कंपनी, राइट, 1000 प्लस 200। और यहाँ पर आपका कॉन्ट्रैक्ट पेयर सेम रहेगा, एज ए आपको 2 साल का रहेगा, फूड आपको नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, इसके साथ कुछ आपको एक्स्ट्रा कंपनी पे कर रहा है 200 दिरहम एक्स्ट्रा, वो आप अपने फूड के हिसाब से आप ले सकते हैं। एज ए कंपनी आपको एकोमोडेशन प्रोवाइड कर रहा है, और अदर्स जो भी बेनिफिट मिलता है एज ए UI लॉ के हिसाब से आपको मिलेगा, हफ्ते में 1 दिन आपको छुट्टी मिलेगा फ्राइडे, वो हम सब लोग जानते हैं, और 8 घंटे का यहाँ पर आपको ड्यूटी रहेगा। और यही जो कि चीज़ है, और भी डिटेल आपको देखने को मिल जाएगा जब आपका एज ए कंपनी का ऑफर लेटर आएगा, उसमें और भी डिटेल लिखा हुआ आएगा। और एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, किसी भी एम्प्लॉयमेंट वीज़ा स्टार्ट होने से पहले आपके पास एक MOL आता है, राइट, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर करके एक लेटर आता है। आप उसी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का जो चिट्ठी होता है एज ए 2-3 या 3-4 पेज का होता है, आप उसको भी एज ए वेरीफाई कर सकते हैं। उसको भी आप वेरीफाई करके आप ऑनलाइन देख सकते हैं कि आपके पास जो MOL आया है वो MOL सही है या फेक है, आप वो भी एज ए ऑनलाइन पे वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद ही एज ए एम्प्लॉयमेंट वीज़ा का प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो वो भी कैसे ऑनलाइन वेरीफाई करना है उसके रिलेटेड भी मैंने ऑलरेडी वीडियो इस चैनल के ऊपर छोड़ा हूँ, उसको आप थोड़ा नीचे जाके आप देख लीजिए, या फिर थोड़ा पीछे जाके आप देख लीजिए। तो आज की इस वीडियो में यही था, जितना भी डाउट था आई होप मैंने कोशिश की आप लोगों के साथ क्लियर करने के लिए, राइट, ओके दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में यही था दोस्तों, अगर आपको ये जॉब अप्लाई करना है तो सिंपली आप अभी स्क्रीन पे एक मेल आईडी देख सकते हैं, आप इसी मेल आईडी पे आप अपना रिज्यूम, बायोडाटा, CV जो भी कह लीजिए, विथ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी और भी अच्छी बात है, तो आप उसको एज ए अटैच करके आप मेल कीजिए। और स्क्रीन पे जो आप अभी व्हाट्सअप नंबर देख सकते हैं, इसी व्हाट्सअप नंबर से आप एज ए गाइडेंस, इन्फॉर्मेशन और सजेशन ले सकते हैं, राइट। सो यही चीज़ है, और मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि चाहे आपको किसी भी कंसल्टेंसी, कोई भी एजेंट आपको जॉब प्रोवाइड कर रहा है, किसी को भी आप एडवांस में पे मत कीजिए वीज़े के रिगार्डिंग। मैंने आपको जो प्रोसेस बोला, आप सबसे पहले देखिए उनका, अगर कोई क्लाइंट है बाहर उनसे बात कीजिए,
राइट, उनका कुछ वीज़ा लेके वेरीफाई कीजिए और आप खुद का वीज़ा भी एज ए ऑनलाइन वेरीफाई कीजिए। मुँह की बात नहीं मानिए दोस्तों, आप ऑनलाइन जो भी होगा एज ए ऑनलाइन पे होगा, काम पे होगा कि नहीं ये वीज़ा सही है या फेक है, आप ज़रूर उसको ऑनलाइन ही वेरीफाई कर लीजिए, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का वीज़ा हो, 201, 501, 301, राइट, आप उसको एज ए ऑनलाइन बहुत ही ईजिली चेक कर सकते हैं। आई होप कि दोस्तों मैंने आपका जितना भी डाउट था क्लियर कर सका। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन और डाउट है तो सिंपली वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और इन जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ ही बने रहिए दोस्तों। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।